अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम। जिला उकाड़ा, तहसील दीपालपुर दे पिंड पुमणशा। ए पिंड दीपालपुर तो 18 किलोमीटर दूर हवेली लखा रोड ते आबाद है, ते इसका पुराना ना कुतबकोट है। एक तारीखी ते इतिहासक पिंड है, जिथे उदासी पंथ दे मशहूर फकीर साधु बाबा पुमण शाह दा डेरा है, जेड़ा के गुरद्वारा पुमण शाह दे नां तों वी जाणिया जांदा है। इन्हां बजुर्गां दा ताल्लुक कंबो कबीले नाल सी। ए कबीला इस इलाके विच वड्डी गिणती विच आबाद सी, ते चुणियां पत्तोकी दीपालपुर ते पाक पतन दे लागे लागे कई पिंड इस कबीले दे सन। पुमण शाह दे आल दुआले भी बहलोलपुर, मनचरियां, अमली मोती, खोतीपुर, देवा सिंह, संतोख, फुल्लरवन कंबो लालियां आला ते तुला कंबो इस कबीले दे मशहूर पिंड सन। बाबा पुमण शाह दा जन्म 14 अप्रैल 1687 नूं दीपालपुर लागे पिंड बहलोलपुर विच होया। उदासी पंथ दे मनन आलिया मुताबक सिख मज़हब दे 10वें गुरु गुरु गोबिंद साहब ने सुफने विच आ के बाबा पुमण शाह नूं मौजूदा डेरे आली थां ते आबाद होण ते लंगर जारी करन दा हुकम दिता, जिस तों बाद बाबा पुमण शाह ने कुतबकोट विच डेरे ला लै, जिहड़ा बाद विच उन्हां दे नां नाल डेरा बाबा पुमण शाह दे नां तों जाणिया जाण लग पिया। कहा जांदा है कि इस इलाके विच चौधरी लखा वट्टू नां दा मशहूर मुसलमान राजपूत जागीरदार सी, जिन्हों उस वेले दी सरकार ने कैद कीता होया सी, ते डर इस गल दा सी कि किते उन्हों सजाए मौत ना दे दिती जाए। लखे वट्टू दी मां साधु फकीर बाबा पुमण शाह कोल आई ते दुआ करन दा आख्या, जिस तों दूजे दिन लखा वट्टू जेल तों छुट गया। इस करके उस दी मां ने वड्डी जागीर बाबे होरां दे नां कर दिती। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪੁੰਮਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 1947 ਤਾਈਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਕੰਬੋ ਕਬੀਲਾ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਸਾ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਘਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਪੁੰਮਣ ਸ਼ਾਹ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।